संपूर्ण ब्रज में हो रहा है, क्योंकि ब्रज में लाला आया है। मंचस्थ विद्वज्जन संत महात्मा भगवत रस विपासु समस्त भक्त महानुभाव भगवत चरणानुरागी भक्तिमती माताएं इस संपूर्ण आयोजन के निमित्त यजमान खंडेलवाल परिवार, तो चलते हैं उस ब्रजमंडल में जहां पर सभी ब्रजवासी नंद महल के द्वार पर खड़े होकर नंद महोत्सव मना रहे हैं और नंद बाबा मात यशोदा से बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो, हो, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद
बजाई बजे गोकुल में। कन्हैया को जन्म भयो है, कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है, कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है। सब नाचो रे ओ सब नाचो रे, सब नाचो रे दे दे तार, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई बजे गोकुल में, मैया यशोदा जयो ना, बधाई बजे गोकुल में, मैया यशोदा जयो ना, बधाई बजे। जो बैठे हैं वो ताली तो बजा लें, ताली बजा लो बैठे बैठे। बधाई किस किस को चाहिए? अभी मिलने वाली है बधाई, मिलेगी आज। आज 56 भोग भी मिलेगा। पर जो बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, जय हो बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, मैया यशोदा जयो ना, जय हो जय हो, बधाई बजे गोकुल में, मैया यशोदा जयो ना, बधाई बजे गोकुल में। सोदा जायो ना, बधाई बाजे गोकुल में,
बाबा के महल में जो बधाई लेने आ रहे हैं वो उन्होंने कैसा वर्णन किया है, कौन क्या क्या बना है। हाँ आज बरफी सी ब्रजनार बनी, आज बरफी सी ब्रजनार बनी, गुजिया सी गोपी और गुजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, रानी ने जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, गुलाब जामुन सी रात में लड़ुआ सोलाला, गुलाब जामुन की रात में लड़ुआ सोलाला, वस्तुतः वैसा आनंद आ रहा था जैसा जन्माष्टमी पर आचार्य पीठ में आता है।
आज तो वास्तव में ये कृष्ण का गढ़ लग रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये नंद महोत्सव ब्रज में अनेक दिवस तक चलता रहा। सब ब्रजवासी सुध-बुध खोए हुए बैठे, आनंद इतना अपार है हृदय में, बस नंद बाबा और मात यशोदा का गुणगान करते हुए सभी ब्रजवासी। जय हो नंद बाबा की, जय हो मैया यशोदा की। प्रथम तो बालक हुआ उसकी प्रसन्नता, दूसरा 80 वर्ष की अवस्था में हुआ तो और भी अधिक प्रसन्नता है। माता यशोदा नंद बाबा धन्य है। जिनके घर पर भगवान स्वयं जन्म ले, देन चाहे जिन्हें करतार सुख, दीन चाहे करतार जिन्हें सुख, कौन रहीम कहो कहीं पारे। उद्यम पौरस कीने बिना, धन आवत आप ही हाथ बसा। देव सबे हसे सब आपस में, देव हसे सब आपस में, विधि के प्रपंच न जात विचारे। बेटा भयो वसुदेव के घर, और दुंदु विवाजे नंद के द्वार। बेटा भयो वसुदेव के घर, और दुंदु विवाजे श्री नंद के द्वार। प्रति में निशा माधव जगता, विधि शिव किन्नर सुर मुनि ऋषि जन, सुमन वृष्टि कर अति हर्षा। डाड़ी डाड़ी महाबोध भल, नंद निकेतन लेत बधा। कृष्ण नाम नव रस की धारा, बहत निरंतर ब्रज सरसाई। जय जय बोलत बुद्धबुद्धि जन, पुलकित आवत जन समुदाय। बाजत अनुपम मंगल बाज, नाचत गोपी गोप सुहाई। चरण सदा सब सुखदाई, श्री राधा सब सुखदाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल।
विचार कीजिए, आज इतने हजारों वर्षों के उपरांत भी जब हम उस नंद महोत्सव का गान कर रहे हैं तो हमें जो अद्भुत अनंत रस मिल रहा है, उस समय उन ब्रजवासियों को क्या मिला होगा, क्या अद्भुत आनंद मिला होगा। धन्य हो ब्रजवासी जिनको भगवान स्वयं प्राप्त हुए। इधर नंद महोत्सव तो चलता ही रहता है, अब उधर समय आ गया, अब मामा श्री की कृपा भी तो शुरू होनी चाहिए। उधर कंस को विदित होता है कि ब्रज में किसी बालक ने जन्म लिया है और अब वो मेरा काल बनेगा। नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाते हैं और पीछे से कौन आती है, हाँ। बड़ा सुंदर रूप धारण करके, जो ज्यादा सुंदर बन के आए समझो उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई कारण है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हर सुंदर स्त्री पूतना होती, पर हाँ सावधान रहना चाहिए। चेतो हरायुतयाश्रुहृदोऽनुकूला सद्बान्धवा प्रणय गर्भगिरस्य वृत्त्या। तो बड़ा सुंदर रूप धारण करके पूतना आई, पूतना आई गोकुल में, नंद बाबा के घर पहुंची तो मैया यशोदा बालक को खिला रही है। मैया यशोदा से कहा, अरे बहन पहचाना? यशोदा मैया ने कहा, भाई देखो पहचाना तो नहीं, तुम ही बता दो, मैं आपके मौसा के फूफा के जीजा के देवर के भुआ के बेटे की बहन। अब दोबारा आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। तो मैया यशोदा तो बड़ी सरल है, सहज है, बोले हो सकता है भाई, इतनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी है, नंद बाबा यादवों के राजा हैं, कहीं ना कहीं से कोई आई हो। तो बोलो बहन, बोले मैंने जैसे ही सुना कि आपके घर पर लाला हुआ है, मैं रोक नहीं पाई अपनी प्रसन्नता को और मेरी प्रसन्नता फूट रही है। उस प्रसन्नता में विष लगा है वो अलग बात है, पर प्रसन्नता बहुत हो रही है, तो मैं आपके लाला को खिलाना चाहती हूँ। मैया यशोदा ने सोचा, बालक होता है सभी का, उस पर प्रेम होता ही है, घर में सभी आते ही हैं, सब खिलाना ही चाहते हैं। तो मैया यशोदा ने दे दिया कि ले बहन पकड़, और मैया अपने काम में लग गई घर के। उधर पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में लिया और अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। अपने स्तनों पर विष लगाकर आई है पूतना, ताकि भगवान को विषपान करा सके। भगवान जैसे ही उसके स्तनों का पान करते हैं तो विष तो भगवान का क्या बिगाड़ेगा। जिनमें सदैव अमृत विद्यमान हो उनका कोई क्या। जैसे जैसे भगवान विष का पान करते गए उसके प्राण भी खींचते गए। अब पूतना छटपटाने लगी, छटपटाकर घर से बाहर निकली,
भगवान गोदी में है, पूतना दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है, और धीरे धीरे अपने उस सुंदर स्वरूप से फिर से वही भीषण विवत्स राक्षसी बनती जा रही है, बढ़ती गई बहुत विशाल रूप में, और धीरे धीरे भगवान उसके प्राणों का हरण कर रहे हैं, खींचते खींचते धाम से पूतना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूतना हो गई वो तो है। पूतना का उद्धार होता है यहां पर जब भगवान पूतना का उद्धार कर रहे होते हैं तो भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। तो यहां पर बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं, हैं? हमारे इस नंद महोत्सव में बधाई लेने दिल्ली से लक्ष्मी नारायण जी आए हैं, अद्भुत धाम के महंत जी, ये भी बहुत सुंदर कथा करते हैं। अभी एक महीने पूर्व आपके यहीं पर स्थान पर श्रीमद् भागवत हुई थी मेरे द्वारा, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब वहां पर बड़े बड़े विद्वानों ने, संत महात्माओं ने, मनीषियों ने सुंदर सुंदर अपने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए। किन्हीं का भाव है कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि सोच रहे हो कि इस पूतना को मैं कौन सी गति प्रदान करूं, यद्यपि ये मुझे समाप्त करने के भाव से आई परंतु इसने मुझे स्तनपान कराया है तो ये मेरे लिए तो माँ ही हो गई, तो इसे मैं कौन सी गति दूं। और भगवान ने, आप सभी को आश्चर्य होगा कि भगवान ने पूतना को भी वही स्थान और वही गति प्रदान की जो माता यशोदा और माता कौशल्या को मिली। वही बात जो मैंने पहले सुनी, कामं क्रोधं वयं स्नेहं मैत्रीं सौहृदमेव च। जिस किसी भाव से भी भगवान का भजन हो तो भगवान उस भजन करने वाले को परम गति ही प्रदान करते हैं। यहां पूतना को भी वही स्थान मिला। अनेक सुंदर सुंदर भाव हैं। उधर नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि गांव में ऐसी कोई राक्षसी आई और मेरे कन्हैया को लेकर चली गई, नंद बाबा दौड़ते हुए आए, आकर सभी ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़े उसके पूतना के, जाकर देखा वन में पड़ी है विशाल काय पूतना। मैया यशोदा दौड़ती हुई चीखती हुई, मेरा लाला मेरा कन्हैया क्या हो गया, कहाँ गया, कौन ले गया। जाकर देखा तो ठाकुर जी पूतना के शरीर पर बैठे हैं और खूब मस्ती से खेल रहे हैं। नंद बाबा ने भगवान को गोद में लिया, माता यशोदा भगवान को दुलार करती है कि मेरे कन्हैया पर ये कौन सा संकट आ गया। मेरे कन्हैया की भगवान ने रक्षा की है, मेरे लाला की रक्षा भगवान ने की। लाला सोच रहे मेरी रक्षा करने वाला कौन सा भगवान आ गया, जिसकी रक्षा करूं मैं करूं है? पर यही तो सुख, इसी आनंद को लेने के लिए भगवान ने ब्रज में जन्म लिया है, क्योंकि वैकुंठ में बैठे भगवान ये सुख नहीं ले सकते। वैकुंठ में वहां कौन उनको माता पिता मिलेंगे, कौन बंधु बांधव सखा गोपियां सखियां, ये सुख लेने के लिए ही भगवान ब्रज में जन्म लेते हैं।
नंद बाबा माता यशोदा ब्रजवासी बड़े चिंतित हो जाते। अभी तो बालक को हुए कुछ दिन भी नहीं बीते और लाला पर ऐसे ऐसे संकट आने लग गए। लगता है लाला को नजर लग गई, इसकी नजर उतारनी चाहिए। माताएं जब कोई बालक अस्वस्थ हो जाता है कुछ हो तो नजर उतारती है वो, कैसे मिर्ची और रामरस नमक लेकर ऐसे घुमा के, और क्या राई भी होती है उसमें, राई लून है। अब कहें माँ के बाबा जी की भाषा में लूण न रामरस खेव है। हाँ, राई लून लेर बिन बुआर फिर चूल्हा का मायन है। सही ऐसे ही होता, पता नहीं हमारी उतारी के नहीं माता जी ने कभी नजर। वैसे नजर उतारने योग्य तो हम है नहीं। अच्छा उतारी है, तभी लोगों की कुदृष्टि लगती नहीं है अभी तक बचे हुए हैं। ठाकुर जी की नजर उतारी गई, फिर भी भगवान का, भगवान को ज्वर हो गया, बुखार। भगवान तो आनंद ले रहे हैं ना, भगवान चाहते हैं कि माता यशोदा का स्नेह प्रेम अधिक से अधिक उनको मिले। भगवान को ज्वर हो गया, अब ज्वर कौन उतारे, सब उपाय कर लिए ज्वर नहीं उतर रहा। तो एक गोपी आकर बोलती है, मैया गांव में एक बाबा जी आया है और वो बड़ा तांत्रिक लगता है और वो कहता है कि मुझे लाला दिखाओ, मैं उसकी सब बुखार उखार उतार दूंगा। मैया ने कहा, नहीं भैया अभी इतने जल्दी बाबा जी के पास नहीं ले जाएंगे, बाबा जियों का कोई भरोसा नहीं बच्चे को साथ ही ले जाए। इतने में वो संत मैया यशोदा के द्वार पर आकर कहते हैं, आयो एक जोगियारी भस्म चढ़ाए अंग। ये हमारे पूर्वाचार्य श्री गोविंद शरण देवाचार्य जी महाराज की सुंदर रचना है। आयो एक जोगियारी भस्म चढ़ाए हिम करपूर गौर बागंबर जोगनी सोहती। जोगनी कौन सोहती संग में, हाँ यहाँ पर कौन आए हैं समझ गए ना। हिम करपूर गौर बागंबर, बागंबर कौन पहनते हैं, गले में सर्प कौन डालते हैं। हाँ यहाँ पर बोलिए शंकर भगवान तो यहाँ पर अब बाबा भूत बावन आशुतोष पधार चुके हैं, बोले आने दो कौन सी बुखार उकार टकार सब। और वस्तुतः भगवान इसीलिए अस्वस्थ हुए हैं ताकि मैया यशोदा, हाँ, शंकर भगवान को अंदर ले ले, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों भगवान का मिलन, भगवान स्वयं शंकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं और शंकर भगवान हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के दर्शन करना चाहते हैं। नैन तीन इकटक मोहन, मैया यशोदा ने सोचा चलो ठीक है, ये बाबा तो कुछ पहुंचा हुआ लगता है, इसके पास तो कुछ है। बुलाया भगवान को कि आप आ जाओ घर के भीतर, देखो मेरे लाला को बुखार हो गया है। भगवान ने कहा, मैया चिंता मत करो अभी सब चला जाएगा। नयन तीन इकटक मोहन,
लखे जाके प्रेम अभंग। तीनों नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दो नेत्रों से तृप्ति नहीं हो रही। वैसे तो भगवान का तीसरा नेत्र कब खुलता है? हाँ, जब क्रोध किसी पे कुपित होते हो। पर यहाँ शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को खोलकर उस नेत्र को भी परम पवित्र करना चाह रहे हैं। नयन तीन एकटक मोहन लखे जाके प्रेम अभंग। अलख अलख कहीं अलख जगावत, अलख अलख कहीं अलख जगावत, गावत नाचत बड़वत रंग। भस्म चढ़ाए अब वो सब गोपियां सखियां सोच रही कि ये बाबा बड़ा विचित्र है, बागंबर पहन रखा है, गले में सांप लटक रहा है, भस्म लगाया हुआ है, अलख अलख निरंजन अलख निरंजन है। ऐसे भी बोले होते हैं, जटा जूट मंदित गुण पंडित धरे नाग अरंग, गोविंद शरण रावल की जसुमती धर दिए लाल उठंग। माता यशोदा ने अपने लाला को भगवान शंकर की गोदी में दे दिया कि बाबा अब तुम जानो और ये तुम्हारा लाला जाने। गोविंद शरण रावल की जसुमती धरी दिए लाल उचंग। आयो रीक जोगिया भस्म रमाए अंग, आयो रीक जोगिया भस्म रमाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर दो बार आते हैं ब्रज में, एक बार तो भगवान का दर्शन करने और फिर महारास में। हाँ, भगवान शंकर परम वैष्णव हैं, वो भगवान की दर्शन किए बिना रह ही नहीं सकते। तो जैसे ही भगवान ने शंकर भगवान ने भगवान को गोदी में लिया, भगवान की बुखार उतर गई, स्वस्थ हो गए और खिलखिलाकर हंसने लगे। मैया यशोदा मान गई कि बाबा ये बाबा तो बड़ा चमत्कारी है, आजकल के फर्जी बाबाओं जैसा नहीं, ये तो वास्तव में बाबा पहुंचा हुआ भाई। कन्हैया खेलने लगे, खिलखिलाने लगे और माता पार्वती और शंकर भगवान भगवान का दर्शन करके पुनः अपने कैलाश में पधार गए। अब जब पता चला कंस को कि मेरी ले दे के एक ही बहन थी पूतना, वो भी गई, अब क्या करें, बड़ा क्रोध आया। बुलाए दो चार और तृणावर्त हैं और सकट भंजन, एक ऐसा दैत्य आया जो जिस झूले पर भगवान को मैया यशोदा ने, जैसे वो पहले नहीं होता था अपने बैलगाड़ी होती थी और उसके उस पर क्या बोलते हैं, मैं भूल गया है, जिसमें वो बांध देते हैं बालक को उसे झुलाने के लिए, हैं जोड़ी, हाँ चलो आप समझ गए ना। हाँ, तो वो उस गाड़ी के उसमें ठाकुर जी को बांध दिया, मैया यशोदा ने अपने काम करने लग गई। उसी गाड़ी पर वो दैत्य आके बैठ जाता है,
और भगवान को दबाने का प्रयास करता है। भगवान एक चरण प्रहार से उस गाड़ी को राम नाम सब ग्वाल बाल दौड़कर आते हैं। जैसे ही वो गाड़ी गिरी दर बोले क्या हुआ क्या और लाला को कुछ मैया यशोदानंद बाबा दौड़कर आए ग्वाल बालों से पूछा अरे भाई क्या हुआ ऐसे कैसे हो गया। बोले पता नहीं ये गाड़ी लाला पर गिरने लगी लाला ने एक लात मारी गाड़ी गई हवा में। बोले लाला ने लात मारी लाला कोई लात मार सकता है? इतना सा लाला क्या करेगा बेचारा। भगवान ने अभी तक सभी ब्रजवासियों को और माता यशोदा को अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कराया क्योंकि यदि वो जान जाएंगे कि ये परात्पर परमेश्वर पर ब्रह्म है कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम सर्वशक्तिमान आनंद नंद नंदन कंद भगवान श्री कृष्ण है तो फिर वो भाव उनमें नहीं रहेगा। जो वात्सल्य को प्राप्त करने के लिए भगवान आए हैं वो कैसे मिलेगा। बोले नहीं नहीं लाला ने कोई लात नहीं मारी ये तो भगवान ने बचाया है। भगवान बोले भाई ये भगवान कौन है दूसरा जो मुझे बचा रहा है। फिर तृणावर्त आया अभी तो आते रहेंगे तो नांदे रहा हूं खिलौना आ रही है काहे बोले मामा जी के बटम आवे जी ने जामनो नहीं नहीं मायरे तो ब्याव मोल ब्याव के टप्पू गारी वाले जब बालक होता है और जो ननियाल से आता है क्या बोलते हैं जामनो बोलते हैं ना। एक जामनो वो भी हुआ जीवन वो दूध होटा हुआ है बस जामनी हुआ है। अच्छा वो स्त्रीलिंग होती है। अच्छा एक ये पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग है ठीक हमारे उमेश जी बता रहे हैं। वो जामुनी का दूध बड़ा अच्छा लगता है एक बात है नहीं इसमें ओटाओ बढ़िया खूब देर तक चूल्हे में फूलता हुआ। अब तो कौन ओटाते होंगे आप लोग तो क्या हाँ ननियाल से वो सब आ रहा है सब मामा जी भेज रहे एक से एक। अब तृणावर्त आया बड़ा भीषण तूफान लेकर चारों तरफ बवंडर ही बवंडर और आकर नंद महल पर मंडराने लगा। जहां भगवान लेटे हुए थे झूले में उस झूले पर मंडराता हुआ भगवान के झूले को साथ में ले गया। भगवान भी साथ में उसके उड़ते गए और ऊपर ले गए ऊपर ले जाकर उसके कंठ के धर गोविंदाय नमो नमः। वाह क्या इफेक्ट दिया कभी कभी तो कमाल ही कर देते हो। ये है भगवान की सुंदर लीलाएं। दैत्य आते जा रहे हैं भगवान सबका उद्धार करते जा रहे हैं जब बार बार भगवान पर इस प्रकार के संकट आए तो स्वाभाविक है सभी माता यशोदा नंद बाबा माता रोहिणी सभी ब्रजवासी बड़े चिंतित हो जाते हैं कि क्या करें कैसे करें अपने लाला को कैसे बचाएं। बार बार इन पर संकट आ रहे हैं ये कंस को पता चल गया लगता है तो क्या करें। बोले अब तो गुरु जी को बुलाओ कोई लगता है अपने पूजा वूजा सही ढंग से हुई नहीं तो गुरु जी को बुलाया गर्गाचार्य जी को। बोले कौन से अपने गुरु जी? बोले यादवों के गुरु जी गर्गाचार्य जी हैं। बोले गर्ग भी आचार्य होते गर्ग तो अग्रवाल होते। बोले नहीं यहाँ पर गर्ग आचार्य जी हैं
तो गर्गाचार्य जी को बुलाया, निवेदन किया, गुरुदेव देखो बालक पर संकट पे संकट आ रहे हैं, क्या करें। गर्गाचार्य जी ने कहा, भाई सब कुछ तो अच्छा हुआ है, पूजा भी हमने बढ़िया सब कर दी, सब नावण भी अच्छे से हो गया है, सूर्य पूजा जो बोलते हैं, पर अभी तक क्या दोनों लालाओं का नामकरण नहीं हुआ है। इसलिए जब तक नाम नहीं होगा तो इनके नाम से कोई पूजा अनुष्ठान नहीं होगा, और जब तक कोई पूजा अनुष्ठान नहीं होगा तो फिर संकट आते रहेंगे। क्योंकि जब कोई पंडित या कोई करे को संकल्प या पूजा पाठ तो नाम चाहिए, तो इसलिए पहले नामकरण करो ताकि फिर हम इनके नाम से अनुष्ठान करें, ब्राह्मणों को पंडितों को क्या देवीलाल जी अनुष्ठान करने का बहाना चाहिए। आप पहुंच जाओ इनके पास जन्म पत्री लेके, फट से दो चार अनुष्ठान टिका देंगे। नहीं पर अच्छा है, होना चाहिए। जितने भी ये कर्मकांड के अनुष्ठान हैं, पूजा पाठ हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ये बहुत प्रभाव डालते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारी जन्म कुंडली दशा। इनका समय समय पर प्रबंधन होना चाहिए। तो पहले नामकरण करो, बोले नामकरण कौन करेगा, बोले हम ही करेंगे और कौन करेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, तो बोले ठीक है महाराज, दो मिनट बैठो आप। माता रोहिणी यशोदा जी को कोने में ले गई। अरे यशोदा, गर्गाचार्य जी है, बाबा जी है, ये कह रहे हैं नामकरण करो, अब क्या इनसे पूजा करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, नामकरण करना चाहिए कि नहीं। अरे भाई क्यों नहीं कराएंगे, इतने बड़े आचार्य हैं, क्या पता ये वास्तविकता है, ये कोई बनी हुई श्रीमद् भागवत में वर्णन है। बोले नहीं, पहले इनकी परीक्षा कर लो, कोई भी आचार्य लगाने से आचार्य नहीं हो जाता, ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है पता कर लो। हाँ क्या, कोई भी लगा लिया आचार्य, देवाचार्य, निम्बार्क आचार्य, तो हो थोड़ी गए, लिखने से क्या हो गया, तो जो ओरिजिनल रहेंगे वो तो वही रहेंगे ना। तो बोले आचार्य जी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट पता कर लो। हाँ करने जाए नामकरण हो जाए कुछ और। हाँ वो तो क्या है, लिखने में क्या जाता है, कोई भी शास्त्री आचार्य पंडित जगत गुरु कुछ भी बन जाता, परंपराओं का कुछ पता नहीं। क्या होता है जब मरीज को सही औषधि नहीं मिले, अब कोई गलत डॉक्टर के पास चल जाए तो अब डॉक्टर लगा लें, इससे कोई डॉक्टर हो जाएगा क्या। डॉक्टर लगा लिया, भाई ज्ञान तो होना चाहिए। हमारे निम्बार तीर्थ के पीछे गांव है मोतीपुरा, वहां के वहां सब गुर्जर समुदाय के लोग रहते, बड़े सीधे साधे भोले वाले। उनके एक ऊंट है, तो वो ऊंट हो गया बीमार, ऊंट बीमार हो गया, जो वो जाके वहां मसान में मुसाणा में और ऐसे लेटने लगे वस्तु गुजर भाई किया रख करियो तो करियो कहीं रे बडेरा ने चीत का डियो। अब तो ठीक करो भाई, ऊंट चाल तो रही, चलो डॉक्टर साहब कन चलो दवाई ले रहा हूं। तो जो डॉक्टर हा बागन तो गया को नहीं, रही झोला छाप कन चले गया, जो डॉक्टर लगा में लिया नाम का आगे भी कन चले गया। बिन जार क्यों डॉक्टर साहब, ऊंट बीमार है, हालत खराब है, बिन दवाई दे दियो। तो डॉक्टर साहब क्यों यार, ऊंट की दवाई तो कहीं दूं।
तो 10, 5, 20, 50 गोलियां मिला एक साथ कूटर आ मोटो गोलो बना दियो बना के दे दीजिए ठीक हो जाए। चलो सीधो साधो गुजर भाई ले जा अब इन दवाई देवा की कोशिश करे पर ऊंट दवाई लेवे नहीं वो तो पछवाड़ा अटीना अटीना फेरा भाई मान लो नहीं हो तो आज बडेरा ने चीत ही काटी। खूब प्रयास कर लिया पर दवाई नहीं दे पाया। फिर से आया अजी डॉक्टर साहब हुयो तो हुयो पर दवाई क्या दू का वो ऊंट लेवे ही नहीं। ओहो बड़ी समस्या। एक काम कर जे घर में अपना भोगली है भोगले चूल्हो चेतावा जो अरे इसमें हंसने वाली क्या मैं गांव की पृष्ठभूमि से नहीं हूं क्या मैं भी जानता हूं क्या होती है भोगली है? अब जो चूल्हे चेताए हुए उनको पता है कि भोगली क्या होती है। तो एक काम कर जे भोगली को मायने गोली रख जे और जोर या फूंक दीजिए जो बा गला का मायने उतर जाए। अब भाई क्या करूं ये मारवाड़ी का आनंद ही ऐसा है। कभी संभव हुआ ना तो पूरी कथा मारवाड़ी में करूंगा। भाई संस्कृत में कर ली हिंदी में करता ही हूं अब एक बार मारवाड़ी में भी हो जाए। तो ध्यान दे दीजिए दवाई ठीक है लियो भाग्यो भाग्यो गयो पाचो जार लियो रसोई मुंह भोगली रखी गोली पाचो आयो भागड़ो डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब बचाओ 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 करे भाई कहीं हुई इतना सारा उपाय बता दिया गोली दे दी देवा को जी करूं कहीं ते बताया ज्या ही करो मैं पर मारे फूंक देवा के पहले वो ऊंट मन फूंक दे दी। अब बहुत तो मोटो गोलो मारा पेट में तो नकली डॉक्टर आकन जाओला तो यहाँ की होता कोई उपाय हो लो। हाँ माँ का घना मरीज बैठे हटे जो नकली डॉक्टर आकन जा दवाएं ले रहा हो। एक स्थान पर स्थिर रहना चाहिए क्या जब आपको वास्तविक प्राप्त है, आपको तीर्थ गुरु पुष्कर राज मिले हुए हो अब पुष्कर जी में तो जाओ को नहीं ना बार अटे हमीरिया का भी कादा का मायन न हो। अब और कत्तो समझाऊं धन अरे जब हम वास्तविक बैठे हैं क्यों इधर उधर मुंह मारते डॉक्टर लगा थोड़ी हो जाए। हाँ तो सही जगह उपाय कराया करो चाहे वैद्य हो चाहे शिक्षक हो चाहे गुरु हो यदि आप सही शिक्षक के पास सही गुरु के पास सही वैद्य के पास नहीं जाओगे तो आपका उपाय नहीं होगा अपितु आपका बंटा ढार हो जाएगा। तो अरे यशोदा पहले जांच कर लो गर्गाचार्य जी ओरिजिनल हैं कि नहीं। हाँ आचार्य तो लगा लिया। यशोदा मैया ने कहा नहीं 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 संतों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए संत तो संत होते कहीं रुष्ट हो गए कुपित हो गए तो श्राप दे दे क्या पता। और संतों का श्राप ब्राह्मण का श्राप अरे विप्रवन्नी भस्मसात कर दे कोई ब्राह्मण यदि वास्तव में श्राप दे दे अपराध मत करना कभी किसी ब्राह्मण का। दुर्वासा जी तो श्राप लेकर ही घूमते हैं हाथ में कब कोई मिले और
हाँ, वो स्वभाव है उनका दुर्वासा, नाम से ही भय लगे। राजा अम्बरीश को ही पी लो। जिसको क्या होता है, जिसको क्रोध आता है ना, फिर उसको विवेक नहीं रहता। तो संतों का श्राप लग जाएगा, दीदी परीक्षा क्या करा, अता मोटा आदमी की, अता मोटा आचार्य की परीक्षा क्या हुआ है? तो भाई परीक्षा करवाने यान करो, किशनगढ़ में कथा राखो और कथा को निमंत्रण दो और बाऊ कथा बांचो। बढ़िया कथा बांची तो बे ओरिजिनल है, नहीं तो काई गोली आपने चाली। तो फिर एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? बोले ऐसे करो यशोदा, तो मेरा मन तो अभी तक मान नहीं रहा, संतुष्ट नहीं है। रोहिणी जी ने कहा तो ऐसे करते हैं, परीक्षा भी हो जाए है? और अपना काम भी हो जाए। तो ऐसे करो, बलराम को तू ले ले और कृष्ण को मैं ले लेती हूँ, है ना? हाँ तो आचार्य जी कहाँ अपने को ये सब पूजा पाठ करना है, कार्यक्रम करना है? गर्गाचार्य जी ने कहा भाई देखो, अपन बड़े व्यापक स्तर पर करोगे और बैंड बाजा सब गाजा बाजा करोगे तो फिर वो कंस को पता चल जाएगा, फिर कोई ना कोई आ जाएगा झंझट समस्या। ऐसे करो चुपचाप शांति से बिल्कुल, बस घर घर के अपन लोग कर पूजा कर लेते हैं, नामकरण संस्कार कर लेते हैं। बोले कहाँ करें? बोले अपनी गौशाला है ना, अपनी राधा माधव गौशाला में कर लेते। तो यहाँ कौन सी रसिक जी और कौन सी मदनेश गौशाला, तो वहां चल के कर लेते। बहुत सुंदर गौ सेवा करते हैं, एक बार करतल ध्वनि के लिए, इन सब के लिए। जो भी उस क्या कोई नाम हो तो मुझे बता दें। कृष्णगढ़ गो चिकित्सा समिति बहुत सुंदर कार्य करती है। जो भी जिन गौ माता को चोट लग जाती है या जो अनाश्रित हैं, उन गायों की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं सब। बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बिल्कुल तीव्र करतल ध्वनि लगाइए इनके लिए। हाँ ये जो है जिनके लिए कोई बात ही नहीं, अनुमोदन होना चाहिए ऐसी सेवाओं का। तो बोले गौशाला में रखेंगे कार्यक्रम, क्योंकि गौ माता के सानिध्य में जो भी यज्ञानुष्ठान होता है ना, वो निश्चित सफल होता है। यज्ञानुष्ठान की यदि 100% सफल होने की निश्चिंतता है तो वो गौ माता के सानिध्य में है। इसीलिए यज्ञानुष्ठान में गौमय का लेपन होता है, पंचगव्य बनता है, पंचामृत बनता है, हैं? उनसे ही ये सब अनुष्ठान सफल होते हैं। तो गौशाला में अपन अनुष्ठान करेंगे, गौशाला में व्यवस्था की गई गौ माता के सानिध्य में भगवान का नामकरण संस्कार प्रारंभ होता है। अब दोनों माताओं ने पुत्रों की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी के समीप आए। गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों की पूजा करी, गौ मूत्र के छींटे दिए। बोले अब ठीक है, और बोले भगवान बताओ इनका नाम बताओ। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए पहले तो, और माता यशोदा से बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै अख्यास्ते राम इति बलादिक्याद बलं विदो। रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै।
माता यशोदा, आपकी गोदी में जो बालक है ये आपका नहीं, ये रोहिणी जी का बालक बलराम है। इसमें बल का इतना आधिक्य रहेगा, इतने बलशाली रहेंगे कि संसार में इनके समान कोई बलशाली नहीं रहेगा। इसलिए आज से इनका नाम बोलिए बलराम भगवान। बलराम जी बड़े हैं, बलदेव छटको हो गए, बलदेव छठ बलराम जी हुए, बड़ा सुंदर विशेष होता है। मेरे लिए भी बलदेव छठ विशेष है, क्योंकि हम भी भाई उसी दिन आए हैं। हमारे राधा सर्वेश्वर संकीर्तन मंडल के प्रतिवर्ष बलदेव छठ को बड़े विशेष रूप में मनाते हैं, जेरे के आज्ञा लेकर। और मैं, मुझे स्मरण है वो आप सबके द्वारा बहुत वर्ष पूर्व, 15-20 वर्ष पूर्व मेरे जन्म दिवस पर वो सुंदर मार्बल का एक मंदिर, वो आज भी आचार्य पीठ में अवस्थित है। आयो ही रोहिणी पुत्रो रमय सुहृदे गुणी आख्यास्ते रामैति बलादिक्य बलो। ये बलराम जी सदैव कृष्ण के साथ उनकी रक्षा करने के लिए रहेंगे, और इतना विलक्षण प्रेम रहेगा दोनों भाइयों में, ये सदैव सुहृद बनकर रहेंगे। यदु नाम पृथक भावात शंकर शण मुसंत्युत, ये शंकर शण देव है। ज्यादा उन्होंने बताया नहीं कि शेष नाग के अवतार हैं, क्या है क्या, बस ठीक है इतना बोल दिया, बहुत बलशाली रहेंगे और सदैव कृष्ण के साथ रहेंगे। आसन वस्त्राश्रयो हास्य गृहिणो तो युनुगतम तनु। फिर रोहिणी ने कहा कि भगवान इस बालक का क्या नाम होगा। अब आप तो पहचान ही गए कि जो मेरी गोदी में है वो यशोदा का बालक है, और यशोदा की गोदी में है जो मेरा बालक है, तो इस बालक का बताइए कि ये बालक क्या करेगा, इसका क्या नाम होगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणी च सुतस्यते। अरे मैया, इनका नाम मैं क्या करूं, इनके तो इतने नाम होने वाले हैं, पहले ही इनके तो हजारों नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम है ना, पाठ करते हो कि नहीं, क्या करो, लक्ष्मी जी मिलेंगी। हाँ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से तो पहले से ही इनके तो हजारों नाम है मैया, और आने वाले समय में ये जैसे जैसे गुण कर्मानुरूपाणी, जैसे जैसे इनके रूप कर्म गुण होते जाएंगे, वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। बोले भगवान फिर भी एक नाम तो बताओ। शुक्लो रक्तस्थापितं इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, यूं तो इनके अनेक नाम हैं, परंतु आकर्षति इति कृष्णः,
जो भी इनका दर्शन करेगा, इनके नाम का गुणगान करेगा, इनका चिंतन करेगा, स्मरण करेगा, वो सदैव के लिए आकृष्ट होकर इनका हो जाएगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया इनका नाम कृष्ण होगा। पर ये एक ही नाम नहीं रहेगा, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, ये तो जैसे जैसे अपनी लीलाएं करते जाएंगे, जैसे जैसे इनके गुण होते जाएंगे, इनके नाम हो जाएंगे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बलराम भैया।
शक्ति नामानी रूपाणी च सुतस्य। बहुत नाम होने वाले हैं इनके, अब तो इन्हीं का ही नाम होने वाला है, इन्हीं के नाम की चर्चा होगी अब तो। जहां देखो वहीं कृष्ण है, राधे कृष्ण। भगवान के इस कृष्ण नाम में ओह क्या आनंद है। जब ये कृष्ण नाम कोई बरसाने में जाकर प्रिया जी के महल के सामने बोलता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो प्रिया जी दौड़ कर आती हैं और उसे उद्धार कर देती हैं। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः, जलं भित्त्वा यथा पद्म नरकादुज्जरः। भगवान स्वयं कहते हैं आपके नाम में भी तो कृष्ण आता है, गोपाल कृष्ण। वाह, ये दोनों ही नाम भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को कोई गोपाल कहता है तो भी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, गोपाल जी आ गए आज फरीदाबाद से। और कृष्ण नाम भगवान को कोई कहता है तो भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः, जलं भित्त्वा यथा पद्म नरकादुज्जरः। वहां तो गर्गाचार्य जी आए नामकरण संस्कार करने के लिए है, और हमारे यहाँ पर नामकरण संस्कार में मुनिराज जी आए, बिल्कुल वैसे ही वही दिव्य स्वरूप। तो भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यशः, यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य प्रति जो मेरा कृष्ण नाम लेता है। कौन सा कृष्ण नाम, यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य प्रति जो मेरा कृष्ण नाम लेता है, मैं उसके साथ क्या करता हूं, जलम भित्त्वा यथा पद्म, जलम भित्त्वा यथा पद्म। समझे नहीं समझे, संस्कृत पढ़ा करो, नहीं समझे इसमें मेरा क्या दोष, नहीं समझाएंगे हम इसका हिंदी अर्थ ही नहीं करेंगे। बोलो प्लीज, बोलो। हाँ अब करते हैं हिंदी बताते हैं। जलम भित्त्वा यथा पद्म नरकादुज्जरहाम्यहम्। जिस प्रकार पंक में प्रस्फुटित होने के उपरांत भी कमल खिलता हुआ उस नाल से होता हुआ सरोवर के जल के तल पर आ जाता है, यद्यपि उसका बीजांकुरण कहाँ होता, कीचड़ में। कमल का जो बीज होता मोहित जी वो कीचड़ में होता है, और ऊपर जल की सतह होती है कोई 10-20-50 फुट ऊंची। चाहे बीजांकुरण उसका वहां जल में हुआ है, जल की तल में हुआ है, परंतु आकर कमल का पुष्प कहां खिलता है, जल के ऊपर, जल की सतह पर। ठीक उसी प्रकार चाहे जीव इस मृत्यु लोक में जन्म अवश्य लेता है, परंतु यदि नित्य प्रति मेरा कृष्ण नाम ले ले तो उस मृत्यु लोक से उठाकर मैं अपने वैकुंठ धाम में पहुंचा देता हूं, नरकादुज्जरहाम्यहम्। चाहे वो अपने कर्मों से नरक का गामी होने के योग्य है, उसे नरक में जाना चाहिए, उसकी गति नरक में है, पर फिर भी यदि वो मेरा नाम ले ले, जैसे लिया था अजामिल ने नारायण, और कहां पहुंच गया, भगवान के धाम। तो जो मेरे इस कृष्ण नाम का नित्य जाप करता है उसे मैं
इस नरक से, इस मृत्यु लोक से, इस माया मोह से, इस संसार से, इस भवसागर से, इस भवाटवी से सब से निकाल कर अपने वैकुंठ धाम में पहुंचा देता हूं। ये कृष्ण नाम की महिमा है, इसलिए हमारी तो निम्बार्क संप्रदाय का जो युगल महामंत्र है वो क्या है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे। जो इस युगल महामंत्र का नित्य जाप करता है उसे तो भगवान की भगवत भक्ति निश्चित प्राप्त होती है। तो इसलिए माता बहूनि संति नामानि, वैसे तो कृष्ण नाम प्रचलित होगा पर इनके अनेक नाम, जैसे जैसे ये लीला करते जाएंगे सारे इनके नाम हो जाएंगे। और तो और एक नाम इनका रणछोड़ भी होगा, हाँ छोड़ के भाग जाएंगे, रणछोर भी होगा और माखन चोर भी होगा, माखन चुराएंगे तो फिर माखन ही चुरा लेते हैं। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं, आह उन जिन लीलाओं का स्मरण और चिंतन करके सभी रसिक जन संत जन बड़े आनंदित होते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं, तो गोपियां क्या करती है जब भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, लाला सो रहे हैं प्रातः काल का समय, मैया यशोदा अपने कामों में व्यस्त है, मैया ने सबको मना कर दिया भाई कोई जगाना मत लाला को, सोने दो। हाँ वैसे ही लाला पर बहुत संकट आते हैं। अच्छा बच्चों को तो मैयाएं बड़े अच्छे से सोने देती हैं, घर वाले कोई मना, बड़े जितना सोए उतना अच्छा, हाँ जागता है तो भाई रांधा हो तो। तो जितना बालक सोए उतना, हाँ ताकि घर के सब काम काज निपट जाए। हाँ यार आजकल की लुगाया काम काज तो ज्यादा राखे को नहीं, घर में दो दो तीन चार बाया रेव, झाड़ू पोंछाड़ी अलग, बर्तन आड़ी अलग, एक दिन भी नहीं आवे तो ओ हो। फोन पर फोन लियो, ये आई को नहीं आज, थोड़ा काम स्वयं भी कर लिया करो, जितना परिश्रम करोगे शरीर उतना अच्छा होगा, एकदम परिश्रम करना चाहिए सब। पहले माताएं कितना परिश्रम करती थी, निर्मिमंतम स्वयं दधि, माता यशोदा के घर में क्या कमी है, इतने सेवक हैं, इतने सब कार्य करने वाले हैं, फिर भी अपने लाला के लिए निर्मिमंतम स्वयं दधि, स्वयं दधि का निर्माण करती है अपने बालक के लिए। तो सब गोपियों को बोल दिया जगाना मत सोने देना लाला को, पर गोपियों को तो भगवान के साथ खेलना है, सोए के सोते रहेंगे कन्हैया तो कैसे काम चलेगा, तो जगाते हैं, बोले जगाओ लाला को, जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले जागो वंशी वारे ललना।
बाजरी बीती भोर भयो है घर घर खुले गोपी दही मदत सुनियत है कंगना के झनकारे उठो लाल जी भोर भई है सुर नर ठाड़े द्वारे जागो बंसीवारे लल्ला जागो मोर प्यारे अबियां जगा रही है और भगवान इधर से उधर इधर से अटिनो पशवाड़ो फेरियो अटीने अटिनो फेरियो अटीने आहा भगवान भी उन गोपियों के उस प्रेम का आनंद ले रहे ग्वाल बाल सब करत कोलाहल जय जय शब्द उचारे रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले माखन रोटी हाथ में लीनी अरे गौवन करे रखवा क्या बात है क्या गजब रचना की है साहब किसकी रचना है पता है मीरा के प्रभु गिरधर नागर तरण आया को तारे रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले जागो बंसी वारे अरे जागो मोरे प्यार मीरा के प्रभु गिरधर नागर तारण आया को जागो श्याम सुंदर हे कृष्ण आप जब तक जगोगे नहीं तो आपकी लीलाएं हम देखेंगे कैसे आपके साथ खेलने के लिए तुम ब्रज में आई अब गोपी खेलती कैसे भगवान के साथ देखो जैसे भगवान जगे तो एक गोपी ने पकड़ के अरे कन्हैया अच्छा लाला बताओ बताओ ओहो एकदम से नाक पकड़ के क्वनाशिका क्वानयनम कश्रुति कैशिखा एक गोपी ने भगवान का नाक पकड़ा बोले बताओ लाला लाला तुम्हारी नाक कहाँ है अपन कहते हैं हैं बताओ तो बेटा नोजी नोजी कहते हो ऐसे कहते नोजी नोजी तो वैसे गोपियां भगवान के नाक क्वा नासिका बताओ तुम्हारी तुम्हारी नाक कहाँ है तो भगवान अपनी उंगली नाक पर रखते हैं बोले ये नाक है क्वाननम बताओ तुम्हारा मुख कहाँ है मुख कहाँ है तो भगवान मुख पर उंगली रखते हैं क्वनयनम कश तुम्हारे नयन तुम्हारी आंखें कहाँ हैं अरे बताओ लाला तुम्हारे भगवान आंखों पर कहाँ सिखा बताओ तुम्हारी चोटी कहाँ है चोटी अब आजकल तो कोई चोटी रखते नहीं वो चोटी पर रखते नहीं इसलिए चोटी तक पहुंचते नहीं ये वास्तविकता है चोटी रखना शुरू कर दो चोटी से तुम्हें कोई उतार ही नहीं पाएगा सदैव चोटी पर चढ़े रहोगे शिखर पे चढ़ना है तो सिखा रखो वैसे तो सभी हिंदुओं को रखनी चाहिए पर फिर भी विशेषकर हमारे यदि विप्र ब्राह्मण शिखा और सूत्र का पालन कर लें तो बहुत श्रेष्ठ है अब कोई कोई पंडित ताली नहीं बजाएगा
हमारे जजमाना की खिंचाई चाले जब पंडिता ने भेजा आनंद आए। अरे भाई चलो ठीक है, स्वाभाविक है कि अवस्था के अनुसार उड़ जाए, बाल नहीं रहे तो बात ठीक है, पर यदि बाल है तो तब तो सिखा रखा। हमारे देवीलाल जी के देखो, नेपाली पंडित जी के आम लंबी चोटी है। अबे नेपाली क्यों लगा मार, तो आ समझ में नहीं आई हालत। अच्छा खासा किशनगढ़ का वासी है, हाँ को तो पासपोर्ट ही चेंज कर दियो, आने तो नेपाली बना दियो। तो इस प्रकार गोपियां भगवान के साथ खेलती है। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अभी इधर उधर हो गया। इन्हीं लीलाओं का आनंद भगवान लेते हैं, उन गोपियों के उस भाव के साथ में माता यशोदा के साथ खेलते हैं। मैया यशोदा स्वयं लाला के लिए दधि मंथन करती है। आज प्रातः काल के समय निर्ममंथम स्वयं दधि मैया यशोदा अपने लाला के लिए माखन निकाल रही है, स्वयं दधि मंथन करके। और उस दधि मंथन का जो उद्घोष है, प्रातः स्मरामि दधि घोष विनीत निद्रम निद्रावशान रमणीय मुखानुराग उन्निद्र पद्म नयनम नवनीर दाह। प्रातः स्मरामि दधि घोष विनीत निद्रम। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया कैसे जगते हैं, जब माता यशोदा दधि मंथन प्रारंभ करती है और उस दधि मंथन का जो उद्घोष है, दधि घोष कैसे सबड़ 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 ऐसे चलता। अब जो बिलोवे बन ध्यान है, अब बताओ कौन कौन दही बिलोड़ा है, बताओ संख्या कुछ ज्यादा ही है। ए आगली तो एक भी कन बिलोड़ी। ये तो करो लोई पीवे कोई कन बिलोवे, ये नयोड़ी जत्ती भी लुगाया है। अरे दधि उससे इतना परिश्रम होता था उस समय, इसमें स्पष्ट वर्णन है, माता यशोदा के श्रम बिंदु अर्थात पसीना आ जाता था बिलोते बिलोते एकदम सुबह प्रातः काल जो सबसे बढ़िया व्यायाम होता। हाँ पहले तो परिश्रम करते नहीं है, फिर हो जाते हैं ऐसे, फिर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। है मॉर्निंग वॉक पर उससे क्या, उससे पहले आप पहले माताएं कभी ऐसे नहीं होती, क्योंकि घर में इतना परिश्रम करती थी, काम करती थी, दही बिलोती थी, तो उससे शरीर वैसे ही स्वस्थ रहता है। परिश्रम करना चाहिए। पुराने लोगों का शरीर इतना स्वस्थ होता है, रक्त संचार, रक्तचाप है, रक्त इतना आजकल महाराज जी में तो हीमोग्लोबिन ही कोनी, चार पांच ही रह गए, पांच छह ही रह गए, दस बीस रह गए। और पुराना आदमी ने खायोड़ा ने देखो माँ का गोपाल कृष्ण जी को 18 और ऊपर हीमोग्लोबिन। मैं विनोद नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता, इनकी रिपोर्ट देख लेना। लोगों को तो खून चूस चूस लुगाए, लोग खून खत्म कर दियो और अटे खून अतो बने का आने खून निकाल दे रहा हूं बड़े। धन्य है माता जी,
आपने क्या खिला पिला के एकदम ऐसे हैं? ये प्रतिमा है, रक्त दान करने जाते हैं। मैंने तो मेरे जीवन में प्रथम उदाहरण देखा, हीमोग्लोबिन 18 पहुंचा हुआ है, खून ही खून बन रहा है, ये खून निकालते जा रहे, ये चलती फिरती खून की फैक्ट्री है। हमारे मोहित जी जूस पिलाते हैं, ये खून पिलाते हैं। तो ये परिश्रम का प्रभाव है, जो परिश्रम करेगा स्वस्थ होगा, स्वस्थ होगा तो स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ चित्त होगा, सब कार्यों में अच्छा मन लगेगा। तो निर्मिमंतम स्वयं दधि, माता यशोदा स्वयं अपने हाथों से दधि निर्माण कर रही हैं बालक लाला के लिए। उस दधि का उद्घोष सुन के लाला की नींद जग गई, दधिघोष विनीत निद्रम निद्रावसान रमणीय मुखानुरागम। जैसे ही लाला की नींद खुली, लाला दौड़कर मैया के समीप पहुंचे, बोले मैया भूख लगी है। मैया यशोदा ने कहा बेटा आजा लाला, तेरे लिए माखन निकाल रही हूं। बोले माखन बाद में खाएंगे, पहले दूध पिएंगे। तो मैया यशोदा लाला को दूध पिलाने लगी गोदी में लेकर। हाँ पहले मैया, अबे पुराने लोग बताएंगे इस माता, पहले दो दो तीन तीन साल तक बालकों को दूध पिलाते थे ना मैया की, अब आजकल तो एक आध महीना पिलाए और बाद में वो बोतल पकड़ा देते हैं। हैं ले बेटा चूस ले, क्या डॉक्टर साहब मैया का दूध कितना श्रेष्ठ कर होता है, दो तीन वर्षों तक पीना चाहिए। सर्वेश्वर जी कितने साल तक पीना चाहिए? दो तीन वर्ष तो पीना ही चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं, पर आप सब पता नहीं वो बाजार का थैलियों का दूध लाला के पिलाते हो। वो आपने बचपन में ही उसे बोतल दे दी, अब वो बोतल उसके जीवन भर साथ चलती, इसमें दोष आपका है। बस उसका प्रकार भिन्न हो जाता है, उसके अंदर की सामग्री भिन्न हो जाती है। हैं? तो मैया यशोदा यहाँ पर लाला को दुग्ध पान करा रही है, भगवान दूध पी रहे, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान ने पूछा मैया से, मैया ये बताओ आपको मैं कितना प्यारा लगता हूं, आप कितना प्यारा हूं, कितना प्यार करते हो आप लोग? भैया ने कहा अरे लाला इसकी कोई सीमा है, मेरा तो तू ही है जो है, कोई भगवान ने दो चार दस बीस बच्चे तो दिए नहीं, मुझे तो एक बालक दिया, वो तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। बोले अच्छा मैया? बोले हाँ पक्की बात? बोले पक्की बात। जितने में एक गोपी ने आवाज दी, मैया मैया वो दूध उफन रहा चूल्हे पर। इतना सुनते ही मैया ने दूध पिलाते हुए लाला को फट से रखा और चली गई रसोई में। भगवान ने देखा, बोले अभी तो मैया कह रही थी लाला तू ही मेरा तो सब कुछ है, तेरे लिए क्या दूध क्या ये सब, और बस वो उफनता हुआ दूध संभालने चली गई। भगवान को आया ताव, उठाई लकड़ी और दे धड़ाधड़ दूध दही घी माखन की जितनी मटकियां थी सब फोड़ डाली। अब गए बेगे सब, अब गए मिली अपन सब फोड़ दिया भगवान।
यशोदा मैया आई, देखा ओ हो घर में तो दूध दही घी के ओ पंडाले बह रहे हैं। भाई ये क्या कर दिया? बोले कन्हैया तो बहुत बदमाश हो गया आजकल है, अब तेरा उपाय करना पड़ेगा। अब मैया को आया क्रोध, मैया ने जिस डंडे से भगवान ने मटकियां फोड़ी थी वो डंडा लिया और भगवान के पीछे पीछे ठाकुर जी आगे आगे, मैया पीछे पीछे। अब देखो क्या सुख है ये, क्या भगवान मैया के क्रोध से इतने डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि मैया के हाथ ही नहीं आना चाहते कि आज अगर हाथ आ गए तो है आज तो बढ़िया पूजा हो जाए। अब भगवान आगे मैया पीछे, और भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं मैया को इस सुख के लिए भगवान ने ब्रज में जन्म लिया है। मैया खींचती जा रही है, भगवान ने देखा भाई मैया को बुढ़ापा को शरीर है, ज्यादा दौड़ानो ठीक नहीं है। तो जब मैया थक गई तो भगवान खुद मैया के पास आ गए, मैया ने पकड़ा, बोले बहुत बदमाशी करता आजकल, रुक जा। और भगवान को ऊखल से बांधने लगी, अब मैया भगवान को बांधना चाहे पर सब भगवान बंधने का नाम ले ले, वो भी तो सुख का आनंद लेना चाहती। मैया एक रस्सी लाए, दो लाए, तीन लाए, जितनी जोड़ती जाए पर भगवान बंधे नहीं। बांधते बांधते मैया थक कर बैठ गई, बोले लाला तू तो। भगवान ने देखा अब मैया को बहुत परेशान कर लिया, खूब आनंद आ गया, बोले अब बंध जाते हैं क्योंकि 4:30 भी हो रहे हैं तो बंधना ही ठीक है। तो भगवान मैया के हाथ से रस्सी लेकर स्वयं बंध जाते हैं। जिसने जग को बांध रखा वही बंध जाता है, सच्चा प्रेम होवे तो खींचा सकता है क्या भाई, जिनसे स्वयं सृष्टि स्वयं बंधी हुई है, जो इस सृष्टि के स्थेम सृष्टि लय मोक्ष कारणम है, जिनसे ये चराचर जगत है, वो भगवान आज जिन भगवान को बांधने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र तपस्वी संत हजारों करोड़ों वर्षों तक आराधना करते हैं तो भी भगवान के एक स्वरूप की झलक नहीं ले पाते, वो भगवान आज जिसने जग को बांध रखा वही बंध जाता है, सच्चा प्रेम होवे तो खींचा चला। बस वो प्रेम होना चाहिए, भगवान को बुलाने का, भगवान को खींचने का जो भाव है, भगवान तो खंभे में से भी निकल गया। काढ़न को प्रहलाद कहा, वो मैया यशोदा जैसा भाव हो तो क्यों नहीं भगवान आएंगे। एक दिन धीरे से आए गिरधर, घुस गए माखन की मटकी। तो यहां पर भगवान आज बंधे हैं,
भगवान की सुंदर ये उखल बंधन की लीला। अब भगवान को बांध कर मैया यशोदा जमुना जी चली गई जल लेने। भगवान बंधे हुए उस उखल से धीरे धीरे घुटनों से चलते हुए घर के आंगन से बाहर के बरामदे में आते हैं। बरामदे से उतरकर घर के चौक में आते हैं। उस चौक में दो वृक्ष खड़े हैं अमलार्जुन, उनके मध्य से जब जैसे भगवान निकलते हैं तो उस उखल के स्पर्श से दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर जाते हैं और उन वृक्षों से दो सुंदर देव पुरुष प्रकट होते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुगथन श्रवणो कथाया हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पादयो स्मृत्यां शिरस्तव निवास जग प्रमा प्रणामे दृष्टि सदाम दर्शनेस्तु भवत्तनो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथा वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथा। यमलार्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान धन्य हम जो आपके इस आंगन में हम इतने वर्षों से युग युगांतर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करते करते आज हमारी पूर्ण हुई तपस्साधना और आपने हमारा उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा मांगो क्या मांगते हो, बोले भगवान बस एक ही आप कृपा कीजिए वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। भगवान हमें आपकी भगवत भक्ति का आशीर्वाद प्रदान दीजिए, वर दीजिए कि हमारी ये वाणी सदैव आपके नाम का गुणगान करती रहे, आपके नाम का गुणगान करती रहे। इस वाणी से यदि कुछ निकले तो वो केवल आपका नाम हो। चाहे वो नाम गोविंद गोपाल कृष्ण या राम हो, बस जब भी निकले तो आपका नाम हो। क्योंकि कौन सी वाणी श्रेष्ठ है, कौन सी जिह्वा श्रेष्ठ है, सा बुद्धिर विमलेन्दु शंख धवला या माधव व्यापिनी सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृपमहो या स्तौ तु नारा जिह्वा मृदुभाषिणी नृपमहो या स्तौ तु नारा। वही जिह्वा वही वाणी मधुराती मधुर होती है जिस वाणी में भगवान के नाम का गुणगान होता है। मैं आपको सही बताता ध्यान से आप लोग भी कभी अनुभव करना जीवन में, जो भगवान का भजन गाते हैं भगवान का गुणगान करते हैं उनकी वाणी बड़ी मीठी हो जाती है और वो सबसे बड़े प्रेम से बात करते हैं। सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृपमुह या स्तौतु नारायण, जो नारायण की स्तुति करती है भगवान के नाम का गुणगान करती है वो वाणी बड़ी मधुर हो जाती है। ये उस वाणी का प्रभाव नहीं है, कोई समझे मेरा सामर्थ्य है मैं यहाँ गा रहा हूँ इसलिए आप सबको अच्छा लग रहा है, नहीं, मैं भगवान का नाम गा रहा हूँ इसलिए आपको ये वाणी अच्छी लग रही है। अभी मैं इसी वाणी से आपको अभी सुनाना शुरू कर दूं, खड़ी खोटी अब सब से शुरू कर दूं, गालियां दूं, अच्छी लगेगी आपको। कुरकुरी महाराज कहीं करे हैं, पर जब इस वाणी से वाणी गुणानुकथने सा
जिह्वा मृदुभाषिणी नृपमुहु या स्तौतु नारायण। वह वाणी वह जिह्वा श्रेष्ठ हो जाती है, मधुर हो जाती है जो भगवान का गुणगान करती है। करना पड़े तो इस वाणी को और मधुर बनाते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा जय हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा जय हो राधे कृष्णा राधे कृष्णा Krishna, 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 Krishna
एक दिन धीरे से आए गिरधारी, घुस गए माखन की मटकी। भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं इसमें माखन चोरी तो हो। अच्छा, गोपियां स्वयं चाहती हैं कि भगवान उनका माखन चुराए, नहीं तो बनाती क्यों? क्योंकि गोपियों का प्रत्येक कर्म भगवत परक है। उनका माखन बनाने के पीछे यही मंतव्य है कि इस माखन का भोग हमारे भगवान लगाएंगे, श्याम सुंदर आएंगे। और भगवान भी रोज नित नए नए उपाय निकाल के नित नए नए प्रकार से माखन चुराते हैं और माखन चुरा के भाग जाते हैं। हाथ नहीं आते किसी, और गोपियां जाकर फिर मैया यशोदा को उलाना देती हैं कि मैया तुम्हारे लाला ने माखन चुरा लिया, हमारी मटकियां फोड़ दी। मैया कहती है, मेरा लाला ऐसा क्यों करेगा, उसको क्या कमी है, मेरे यहाँ पर 9 लाख गायें हैं और दूध दही घी माखन के भंडार पड़े। पर भगवान को उस माखन को चुराने में जो आनंद आता है, और गोपियों को भी आनंद आता है। क्षीर सारम अपवित्र शंकया स्वीकृतम यदि पलायनो त्वया मम मानसे घनांद तामसे नंद नंदन कथम नलीयसे। क्या मोहित जी, ध्यान से सुन, कौन कहता है? क्षीर क्षारम अपवृत्त संकया कि भगवान आपने माखन चुरा लिया है और अब माखन चुरा कर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, छुपने का स्थान ढूंढ रहे हो। ठीक है, पहले चोरी कर ली, अब छुपने की जगह ढूंढ रहे हो। क्षीर क्षार मपहृत संकया, आपने जो दूध का सार है, दूध का सार क्या होता है? माखन ही तो होता है। दूध से दही जमता है, दही से फिर माखन निकलता है, तो क्षीर का सार आपने चुरा लिया है। क्षीर शाप मपहृत मतलब चोरी कर ली है, पर अब आपको शंका है कि गोपियां कहीं पकड़ न ले, तो आप दौड़कर छुपना चाहते हो, तो इसलिए मैं आपको एक बड़ा ही सुंदर स्थान बताता हूँ जहाँ पर आपको कभी कोई पकड़ नहीं पाएगा, जहाँ पर इतना अंधेरा है कि आपको कोई देख नहीं पाएगा। पहले ही आप काले हो और अंधेरे में छिप जाओगे तो वैसे भी कौन देख पाएगा। क्या गणेश दास जी, तो क्षीर क्षार मपहृत संग, ये भाव कौन अभिव्यक्त कर रहा है? ये भाव लिखता है, इतने सुंदर भाव लिखे हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, एक मुस्लिम कवि है जो भगवान के लिए ये भाव अभिव्यक्त करता है, अब्दुल रहीम खान खाना। और गर्व से हम व्यासपीठ से उसकी रचना का आज गान करते हैं, क्योंकि जब कोई सच्चा मुसलमान राष्ट्र की सेवा करता है, सनातन धर्म की सेवा करता है, तो उसका गुणगान हम भी करते हैं। हमारे यहाँ भेद नहीं है, परंतु आप वो करके दिखाओ। अब्दुल रहीम खान खाना कितना सुंदर भाव लिखता है। मुझे कल बताया मोहित जी ने, यहाँ पर जो घटना हुई, इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में माताएं आई हैं,
किसी माता की वो चेन कंठी जो सोने की होती है वो गिर गई। सब ढूंढ रहे थे और जिसको मिली वो व्यक्ति हमारे मोहित जी का ही एक कार्यकर्ता निकला, इनके यहीं पर कार्य करता है। और उस व्यक्ति ने लाकर सीधे मोहित जी को दी, मोहित जी के घर से। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, एक मुस्लिम परिवार से है। स्वागत है हमें ऐसे ईमानदार मुसलमानों का जो हमारे राष्ट्र के लिए सम्मान रखते हो, हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो। एक बार करतल ध्वनि होनी चाहिए उनके। मोहित जी, उसका नाम बताइए मुझे, मैं नाम लेना चाहता हूं मंच से। मोहम्मद यूसुफ, उनके लिए करतल ध्वनि कीजिए एक बार। क्या ईमानदारी दिखाई उस व्यक्ति ने, नहीं तो सोने की चीज मिल जाए और कोई छोड़ दे। तो ऐसा नहीं है, जो है उनके लिए हमारे हृदय में स्थान है। तो यहां पर अब्दुल रहीम खान खाना भगवान से निवेदन करता है कि भगवन क्षीर क्षारम अपवित संकया स्वीकृतम यदि पलायनम त्वया। अब आप माखन चुरा कर भागना चाहते हो, दौड़ना चाहते हो, छिपना चाहते हो, तो हम आपको एक स्थान बताते हैं। भगवान ने पूछा, बताओ भाई कौन सा है तुम्हारे पास स्थान। बोले मम मान से घनांद ताम से मेरे मन में इतना अंधेरा है कि आप एक बार छिप जाओ, आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। देखो है क्या भाव, उसने अपना काम बना लिया ना, भगवान को स्थान बना लिया, बता दिया, और अपने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया। नंद नंदन कथम न लीयसे, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, हे ब्रज नंदन, हे बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी, नित्य निकुंज बिहारी, आप आकर मेरे हृदय में स्थान ले लीजिए, आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा। तो हे श्याम सुंदर, मेरे हृदय में आकर बस जा। तो ये भगवान की सुंदर सुंदर माखन चोरी की लीलाएं हैं। ब्रज में सभी ब्रजवासी बड़े आनंद मगन हैं, ब्रजवासियों के हर्ष का कोई पार नहीं। ठाकुर जी अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं से सबको गदगद कर रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है उसको उसी रूप में भगवान मिलते हैं। कोई सखा, कोई पुत्र, कोई भाई, जो जिस भाव में भगवान को देखता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, सब ब्रज में एक ही बस चर्चा है, लाला कन्हैया ये करते हैं वो करते हैं। एक दिन धीरे से आए गिरधारी, घुस गए माखन की मटकी उतार। समय का अभाव है, लीलाएं बहुत हैं, और भगवान ने अपनी लीलाओं से पूरे ब्रज में हाहाकार मचा रखा है। जिधर जित ते खूं तित श्याम मई है, जित ते खूं तित श्याम मई है। वो तो
बालक छोटो से, उस छोटे से बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया ने अद्भुत कर रखा है। कभी माखन की मटकी फोड़े, कभी माखन चुराए, कभी गोपियों को ताना देवे, कभी वो तो ब्रज में मचावे शोर, मचावे शोर। ऐसे नहीं भाई, जो है उसमें लो। अब काय करो, मारा सातड़ा में एक भी मारवाड़ी को नहीं है। अब मारवाड़ी जटा आवे बटे फिर ए माकड़ा थोड़ा सा ढीला पड़ गया। वो तो ब्रज में मचावे शोर, बालक छोटो सो, मचावे शोर बालक छोटो, शोर बालक छोटो सो। नट नंद किशोर को बालक छोटो सो, वो तो नट नंद किशोर बालक छोटो सो। वो तो ब्रज में मचावे शोर बालक छोटो सो, वो तो ब्रज में मचावे शोर बालक छोटो सो। रचावे वो तो बंसी बजावे, रास रचावे वो तो बंसी बजावे, रास रचावे वो तो बंसी बजावे, रास रचावे वो तो बंसी बजावे। वो तो बन करे वो तो बन करे नाचे मोर, वो तो बन करे नाचे नंद किशोर बालक छोटो, तो गटे गटे नंद किशोर बालक छोटो सो। Amen.
ये ब्रजवासी सबको नचाते हैं, आज हमने ब्रजवासियों को नचा दिया। भगवान की लीलाएं चल रही हैं, उधर मामा श्री भेजते जा रहे हैं, फिर आए दो चार पांच, सबका भगवान ने गोविंदाय नमो नमः। और बहुत सारे हैं, कितने नाम लूं, और दुष्टों का नाम ज्यादा लेने नहीं चाहिए। नाम लेने के लिए हमारे पास सरलम भगवन नाम है, जिह्वा च वशवर्तिनी। तो भगवान के नाम है हमारे पास लेने के लिए, तो दुष्टों के राक्षसों के नाम क्यों लें? इसलिए समझ लो बहुत सारे आए और चले गए। दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व कभी नहीं होता। इसलिए कभी दुष्टों से घबराया मत करो, जीवन में भगवान पर अडिग रहा करो। ये तो कुकुर मुत्थे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। हाँ, तो जब बार बार ज्यादा राक्षस आए तो ब्रजवासियों ने विचार किया, भाई गोकुल का पता सबको लग गया है, नंदगांव में सब इतना आक्रमण हो रहा है दुष्टों का, ऐसे करो कोई दूसरा स्थान ढूंढो जहां पर चला जाए। तो इसकी जिम्मेदारी लाला कन्हैया ने ली, बोले मैं ढूंढ के आता हूं जगह, क्योंकि अपना प्रिय स्थान लेके जाना है सबको। तो ठाकुर जी ढूंढने जाते हैं, सब ढूंढा हुआ तो पहले से ही है, सब निश्चित था, प्रायोजित है कार्यक्रम। तो भगवान जाके घूम फिर के आते हैं और आकर कहते हैं, बाबा मैंने बहुत सुंदर स्थान ढूंढा है। बोले बताओ कन्हैया। बोले ऐसा सुंदर स्थान है, जमुना जी का परम पावन तट है, बड़ी सुंदर कलकल कल्लोदिनी वहाँ पर प्रवाहित होती है, सुंदर निर्मल जल है, और समीप में पूरा वन वृंदा का ही वृंदा, तुलसी ही तुलसी वहाँ पर है, हम तो वहीं निवास करेंगे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। तो भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर वृंदावन आ जाते हैं। जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी, जय जय वृंदावन रजधानी। श्रीधाम वृंदावन ऐसा है, इसकी इतनी अनंत महिमा है, हमारे समस्त आचार्यों ने श्रीधाम वृंदावन की महिमा का अपार वर्णन किया है। सभी रचनाओं में श्रीधाम वृंदावन वो सर्वोपरि, हमारे लिए तो वृंदावन ही सब कुछ है। वो तो परिस्थिति ऐसी बन गई, यहाँ पर उन यवनों का आतंक इतना हो गया, जिसके कारण श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने अपने पट शिष्य परशुराम देवाचार्य जी महाराज को यहाँ भेजा। ये जितने भी राजस्थान के वासी हैं ना, उन सबके कल्याण के लिए, क्योंकि यहाँ यवनों का आतंक था, बहुत परेशान करते थे। तो फिर स्वामी जी महाराज आज के 580 वर्ष पूर्व यहाँ निम्बार्क तीर्थ में पधारे और आचार्य पीठ की यहाँ पर स्थापना हुई। अन्यथा तो हम वृंदावन वासी करते थे सब, उससे पहले जितने भी आचार्य हुए सब वृंदावन में, और अपने वहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, कौन कौन गए हुए हैं श्री जी की कुंज में, अरे काफी लोग गए हुए। हाँ, पंगत में राजभोग प्रसाद करने जाते हो, बड़ा सुंदर प्रसाद बनता है अपने कुंज में, हमारे गोवर्धन जी की बड़ी सुंदर व्यवस्था है वहां। वृंदावन की अपार महिमा, भगवान सभी को लेकर वृंदावन पधारते हैं। जहां विराजत मोहन राजा,
श्री राधा श्री रानी जय जय वृंदावन रज धानी। सदा सनातन इकरस जोरी महिमा निगमन जानी श्री हरि प्रिया हितो निज दासी रहति सदा अगवानी। जय जय वृंदावन रजधानी जय जय वृंदावन। क्या प्रिया शरण जी आदित्य जी अच्छी सुंदर है, कुंज में व्यवस्थाएं, जब भी वृंदावन जाओ दर्शन करने जाया करो आनंद मनोहर जी के, बड़े सुंदर दर्शन, जैसे अपने भगवान श्री राधा माधव जी के सुंदर दर्शन है वैसे हमारे आनंद मनोहर जी के। जय जय वृंदावन रजधानी जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। ऐसा श्रीधाम वृंदावन सभी ब्रजवासी उस वृंदावन में निवास करते हैं, वहां पर भी भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। अब उन सब लीलाओं में जाएंगे तो भाई फिर भी उन सब लीलाओं का संक्षेप में थोड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं। 56 भोग में सभी प्रसाद को चखना चाहिए छोटा थोड़ा, कौन सा कैसा बना है, इसीलिए सभी लीलाओं को एक एक पंक्ति में लेते हुए भगवान जब वृंदावन आ गए तो फिर एक बार अघासुर आया। अरे सुर अभी भी आ रहे हैं, यहां भी कम नहीं हुए, जहां जाओ जाओ वहीं वहीं पहुंच जाओ। ये ऐसा वायरस होता है बस पहुंच जाता है कहीं भी, उसके लिए फिर एंटीवायरस डालना पड़ता है। तो भगवान इनका उद्धार करते जा रहे हैं। गोपाष्टमी का सुंदर सुभग अवसर आता है और भगवान सब अपने माता पिता से नंद बाबा से कहते हैं कि मुझे गायें चरानी है। गोपाष्टमी के दिन गौचारण लीला भगवान प्रारंभ करते हैं। बोलिए गोपाल लाल की जय। भगवान सुंदर गायों का चारण करते हैं। जिन गायों को चराते थे कन्हैया उन गायों का नहीं है खिवैया। जिन गायों को चराते थे कन्हैया, बड़ी विचित्र स्थिति है आज हमारे राष्ट्र की कि जिन गायों को स्वयं भगवान ने चराया आज उन गायों की ऐसी दुर्दशा और हम उसका कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। ये हम सभी भारतवासियों के लिए धिक्कार है। जिनका सामर्थ्य है वो करते हैं सेवा, पर ये प्रत्येक भारतीय का धर्म है कि गौ माता की सेवा करें। जिस गौ माता को भगवान स्वयं अपनी माँ समझते हो आज हम उस गौ माता का लहू लुहान इस धरातल पर इस भारत भूमि पर जिसकी हम महिमा का गुणगान करते हैं। अहो अमीशाम किमकार शोभनम, उस भारत भूमि पर गौ वध जब तक रुकेगा नहीं तो ये हमारे राष्ट्र में सुख शांति व्याप्त हो ही नहीं सकती। गौ माता की सेवा करो रक्षा करो जितना संभव हो सके। भगवान ने यही शिक्षा दी है। भगवान ने गायें क्यों चराई, चराने के लिए भैंसे नहीं थी क्या, बकरियां नहीं थी क्या, पर भगवान ने गौ चारण किया क्योंकि ये गावो विश्वस्य मातर सर्वदेवमयी गो। इस गौ माता में सभी देववृंद निवास करते हैं। गौ सेवा किया
देखनी हो तो आकर देखो गौ सेवा हमारे श्री राधा माधव गौशाला में किस प्रकार कितनी सुंदर सेवा करते हैं। हम जिसका जैसा सामर्थ्य हो उसे गौ सेवा करते हैं। तो भगवान गौचारण करते हैं। एक दिन भगवान सब ग्वाल वालों से कहते हैं कि भाई ग्वाल वालों अपन गायें चराने आज वन में जब चलेंगे तो सब अपने अपने घर से सुंदर भोग बना कर लाना और सब बैठकर मिल बांट कर पाएंगे। सभी अपने अपने घर से ग्वाल वाल सुंदर सुंदर पकवान जो जिसका जैसा भाव था बना कर ले गए और सब बैठकर एक स्थान पर पाने लगे। भगवान आज उन ग्वाल बालों के हाथ से भोजन कर रहे हैं और अपने हाथों से ग्वाल बालों को पवाते हैं। इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो कुछ समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी ने देखा कि हमने सुना है कि ब्रज में भगवान ने जन्म लिया है, तो वो भगवान कौन से हैं देखें तो सही। देखा बोले ये भगवान है, ये परात्पर परमेश्वर, ये जगत निखिल जगत भिन्नोपादान कारण है, ये निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा जी मोह में पड़ जाते हैं, समझ ही नहीं आता। बोले ये तो भगवान नहीं हो सकते जो ग्वाल बालों का इन अहीरों का झूठा पा रहे हैं, ये कोई भगवान है? ये सब कोई मायावी बालक है, ऐसे करते हैं ये इनकी गाय बछड़े जितनी चल रही है सबका हरण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी ग्वाल का ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले जाते हैं। भगवान ने कहा अच्छा बेटा ब्रह्मा कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी जब ले गए सबको तो भगवान जितने ग्वाल बाल गाय बछड़े सब थे उन सब का भगवान ने स्वरूप धारण कर लिया। ब्रज में जितने ग्वाल बाल गैया बछड़े हैं सब उतने के उतने ही हैं और ब्रह्मा जी ले गए सबको, यहाँ कोई अंतर ही नहीं ब्रज में। एक महीना दो महीना तीन महीना चार महीना छह महीना साल भर हो गया। ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक का सारा बजट गड़बड़ा गया। अब इतने ग्वाल वालों को हैं सबको भोजन कराते कराते बोले भैया ये तो घाटे का सौदा हो गया। ध्यान लगाओ देखो कि जिम मैं जहाँ से ले आया वहाँ हुआ क्या। देखा तो ब्रज में वैसे के वैसे ही सब यथावत चल रहा है, वैसे ही ग्वाल बाल खेल रहे कूद रहे गैया चल रही है। तब ब्रह्मा को अपनी त्रुटि का अनुभव होता है और भगवान के चरणों में आकर क्षमा याचना करते हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की है कि भगवान मुझसे त्रुटि हो गई मुझे क्षमा करो। तो ब्रह्मा जी के मोह का नाश होता है। फिर धेनुकासुर आता है, उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। यमुना जी का जल दूषित हो गया है, उसमें विष कालिया नाग के कारण विषैला हो गया है, तो भगवान ने उस जल को शुद्ध करने का बीड़ा उठाया। उस समय तो भगवान ने यमुना जी को शुद्ध कर दिया, परंतु आज हमारी यमुना जी की क्या स्थिति है? आज हम उसे शुद्ध नहीं कर पा रहे, इतना दूषित कर दिया है उसमें शहरों का ये दूषित जल डाल डाल कर कि आप आचमन भी नहीं कर सकते। श्रीधाम वृंदावन तक तो पहुंचती नहीं है जमुना जी, सब जल रोक दिया गया। पहुंचता भी है तो वो जल जल नहीं होता, कीचड़ होता है। हमारे राष्ट्र की सरकार को सोचना चाहिए और बहुत शीघ्र इस पर कुछ
क्रिया करनी चाहिए ताकि यमुना जी का शुद्धिकरण हो सके। हमारे संत महात्मा, हमारे कथा जगत के बड़े बड़े विद्वान सब लगे हुए हैं, पूर्ण मनोयोग से खूब प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो कोई कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। तो यमुना जी को शुद्ध करने के लिए भगवान ने कंदुक क्रीड़ा को माध्यम बनाया। खेलते खेलते भगवान गेंद को यमुना जी में फेंक देते हैं और फिर उसे लेने जाते हैं जहां पर कालिया नाग है नीचे। वहां पर जाकर भगवान उसके फणों पर नृत्य करके उसको नाथ कर उसे आदेश देते हैं कि जाओ ब्रज को छोड़ दो। कालियानाग कहता है भगवान आपका वाहन गरुड़ मुझे समाप्त कर देगा। भगवान ने कहा तुम्हारे फणों पर मेरे चरण चिन्ह स्थापित हो गए हैं, इसलिए अब तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तुम निर्द्वंद होकर यहाँ से प्रस्थान करो, मेरे ब्रज को छोड़ जाओ। बोलिए कालियानाथ भगवान की जय। फिर प्रलंबासुर आया, उसका भी उद्धार हो गया। जब कोई असुर भगवान को हानि नहीं पहुंचा सके तो कंस ने पूरे वन में अग्नि लगवा दी। बोले सब जल के जल जाएंगे, मर जाएंगे। भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। शरद ऋतु का आगमन होता है, सुंदर वेणु गीत का वर्णन है जिसमें वंशी को माध्यम बनाकर गोपियों ने भगवान को उलाना दिया है। अब भगवान धीरे धीरे किशोर अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान कर रही होती हैं। भगवान उनके वस्त्रों का हरण कर लेते हैं और गोपियों को उपदेश करते हैं कि आज के बाद कभी निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान मत करना। किसी भी सरोवर में, किसी भी तीर्थ में, जलाशय में, नदी में कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई वस्त्र हमारे शरीर पर अवश्य होना चाहिए। चीरहरण लीला के उपरांत एक दिन भगवान जब गायों को चरा रहे थे तो भगवान को गायें चराते हुए वन में भूख लगी। तो भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, ग्वाल बालों जाओ अपन गायों को चराते चराते मथुरा के निकट आ गए हैं। मथुरा में जितने भी पंडित हैं वो बड़े यज्ञानुष्ठान करते हैं, बड़े कर्मकांडी हैं। जाओ उनके घरों से जाकर कुछ भोजन की सामग्री लाओ, भूख लगी है। कुछ ग्वाल बाल जाते हैं मथुरा, जाकर वहाँ जब देखते हैं तो सारे ब्राह्मण यज्ञानुष्ठान में व्यस्त हैं। स्वाहा स्वाहा, उधर पेट में हो रहा है आहा आहा। अब उन ग्वाल बालों की कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि जो कर्मकांडी पंडित होता है, जो अनुष्ठान में होता है, फिर उसके लिए दुनिया कुछ नहीं अर्थ रखती। वो अपना जब तक पूरा कर्म न हो जाए वो उठते नहीं, जब तक मूल पाठ पूरा न हो जाए उठते नहीं, चाहे 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे। तो पंडितों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, ग्वाल बाल ऐसे खाली हाथ लौट आए। भगवान ने कहा भाई ये तो तुमने क्या किया। बोले हमने बहुत उनको आवाज दी, कहा कि भाई अब भूख लगी है कुछ भोजन दो। बोले तुमने रोंग नंबर डायल कर दिया। रोंग नंबर? बोले हाँ रोंग नंबर डायल कर दिया। तुमने पंडितों को नहीं बोलना चाहिए, वो कर्मकांडी यज्ञानुष्ठान करने वाले, उनके लिए यज्ञ पुरुष। यद्यपि यज्ञ पुरुष भी मैं ही हूँ, पर वो मेरे उस रूप की उपासना करते हैं, इसलिए वो उसी में व्यस्त रहेंगे। तुम जाकर उनके घर पर यज्ञ पत्नियों को कहो कि कृष्ण बलराम आए हैं और उन्हें भूख लगी है। जैसे ही ग्वाल वालों ने जाकर यज्ञ पत्नियों से कहा,
कि कृष्ण बलराम समीप में ही वन में गैया चरा रहे हैं, उन्हें भूख लगी है। सभी यज्ञ पत्नियां जुट गई भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, और 56 भोग बनाकर बड़ा सुंदर भोग लगाकर जैसे ही चलने लगी, पंडितों ने देखा थाल वाल जमा के भगोने भगोने लेकर ये सब कहां जा रही है, रुको रुको किधर, मतलब बैठे रहो स्वाहा स्वाहा करते रहो। आज हमें इतना सौभाग्य मिला है कृष्ण बलराम को भोजन कराने का, यज्ञ पत्नियां दौड़ कर आती हैं और भगवान के सन्मुख समस्त सामग्री रख के भगवान को भोग लगाती हैं। उन यज्ञ पत्नियों को आज भगवान ने कृतार्थ कर दिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब आज प्रातः काल जैसे ही भगवान की निद्रा खुली तो बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, रसोई में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। है? भगवान उठे एकदम से, आहा बोले आज तो मालताल मिलने वाला है। भगवान दौड़ कर रसोई में गए तो वो सब लगे हैं और बना रहे हैं कोई लड्डू कचौड़ी पकौड़ी समोसा है रबड़ी और बहुत सारे हैं, ज्यादा नाम लेंगे तो फिर मुंह में लाल आने लग जाएगा। तो भगवान ने जैसे ही उनमें से किसी को हाथ लगाना चाहा, मैया ने कहा हाथ मत लगा। बोले ऐसा क्यों मैया, ये सब मेरे लिए तो बन रहा। बोले नहीं नहीं, किसने कह दिया तुमसे तुम्हारे लिए बन रहा है, ये तो हमारे भगवान के लिए बन रहा है। बोले भगवान कौन सा भगवान। बोले आज के दिन हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। लो भाई, भगवान ने कहा मेरे घर में इंद्र की पूजा, अरे इंद्र तू कब से इतना बड़ा हो गया भाई, हैं? लगता है डेपुटेशन पे कहीं और भेजना पड़ेगा, नौकरी ठीक से नहीं करता है, स्थानांतरण करना पड़ेगा। तो भगवान ने विचार किया भाई अब इंद्र की पूजा तो नहीं हो सकती, तो बोले मुझसे पंचायती मत कर, जा अपने बाबा को बोल। मैया यशोदा ने बाबा के पास भेज दिया। बाबा से आकर भगवान ने कहा बाबा आज क्या हो रहा है घर में, ये क्यों सब इतना बना रहे हो। बोले लाला आज इंद्र की पूजा होगी। बोले इंद्र पहले बताओ इंद्र की पूजा क्यों होगी। बोले इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न होते हैं और वो वरुण देव को आदेश देते हैं और वरुण देव फिर हम पर वर्षा करते हैं, वर्षा से जल आता है। यज्ञात भवति परजन्य परजन्यात अन्न संभवम, फिर उस वर्षा से अन्न मिलता है और अन्न से फिर हमारा जीवन यापन होता है। भगवान ने कहा आज तो सुबह सुबह उपदेश सुनने को मिल रहा है भाई, किस मुहूर्त में उठे थे। बोले बोले अच्छा इंद्र वर्षा करता है। हाँ बोले इंद्र देव भगवान, अरे भगवान बोल उनको। हाँ बोले इंद्र को भगवान। तो भगवान ने सब ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, बोले भाई क्या हो रहा है तुम्हें पता है। बोले इंद्र की पूजा हो रही है और सब ये सब बोले ठीक नहीं है सिस्टम। बोले बस वो शुरू कर दो, क्या बोलते इनकलाब जिंदाबाद। बोले हम वो करेंगे उस हड़ताल, नहीं नहीं हड़ताल नहीं, आंदोलन आंदोलन करेंगे हम इस इंद्र पूजा के विरोध में। तो भगवान ने ग्वाल वालों की अलग मंडली बना ली और जो बड़े वयोवृद्ध बुजुर्ग नंद बाबा के साथ कहते, बोले नहीं भाई इंद्र पूजा ही होगी, इसमें कोई परंपरा हम तोड़ नहीं सकते। भगवान ने कहा नहीं ये तो परंपरा तो टूटेगी, देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं, जरूरी थोड़ी है 70 साल से आप ही राज करोगे है? तो अब तो देश काल परिस्थिति ऐसी है कि अब राष्ट्र का उत्थान होना चाहिए, इंद्र का उत्थापन होना चाहिए। तो देखा कि अब ऐसे मान नहीं रहे तो बोले बहुमत कराओ, चुनाव कराया जाए। तो
तो चुनाव हुआ तो साहब चुनाव में एक तिहाई बहुमत मिल गया भगवान को कि इंद्र की पूजा बंद कर दी जाए, जहां लाला कह रहे वहीं पर पूजा हो। तब लाला बताओ इंद्र की पूजा नहीं करें तो किसकी करें। लाला कन्हैया ने कहा कि बाबा ये आपको जो लगता है कि वर्षा इंद्र की कृपा से होती है, नहीं, वर्षा तो हमारे गिरिराज महाराज की कृपा से होती है। हमारे ब्रज के तो साक्षात देवता गिरिराज महाराज हैं, उनकी कृपा से वर्षा होती है। बोले भैया हमें तो पहले पता ही नहीं था। बोले आज मैंने बता दिया। तो क्या करें कैसे करें। बोले बस मेरे साथ में जितना भी आपने भोग बनाया है सब भोग को लेकर चलो और गिरिराज महाराज को भोग लगाएंगे और फिर उनकी आरती पूजा करेंगे, फिर आनंद ही आनंद होगा। सभी ब्रजवासी बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियों में भोजन की सामग्री को लेकर गिरिराज महाराज के भोग लगाने के लिए चलते हैं। मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नायाने मेरो मनवा Oh,
राधे उठ पे चढ़े उठ पे चढ़े दूध की धार महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज मधुर मुख चंद्र सुधारणव की आरती राधा माधव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की विराजित मणिमय मंजुल कुंज मनोरम नव तरु कुसुम सुपुंज खग कुल कलरव मधुकर गुंज उपासत सखी जन नित्य निकुंज परम कमनीय अनिर्वचनीय हृदय रमणीय दिव्य छवि अनुपम वैभव की मधुर मुख चंद्र सुधारणव की आरती राधा माधव की
मधुर मुख चंद्र सुधारव की। सेवित रस कवि श्री जय देव, वांछत जिन पद रज मुनि देव, रसिक जन सो रज नित ही पेव, पुलकित हो जावे परिसेव। गोवर्धन धाम करत विश्राम, सकल जन काम कृपा अति अभिनव केशव की। मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। पधारे पीठ निम्बारक धाम, विराजे कनक पीठ अभिराम। शोभा अमित बनी धन गाम, दर्श कर मुदित सकल जनवाम। युगल दंपति रसिक संपति, निखिल जंपति शरण श्री राधा माधव की। मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधारणव की। उमंग मीडिया है साथ अपनों का।